मैं थोड़े ही देर पहले मैंने मेरा लाइव वोटिंग का मैंने बता दिया कि कौन है सबसे नीचे, और बराबर उसी तरह से जय भानुशाली घर से बेघर हो गया है। शॉकिंग, जय भानुशाली घर से बेघर हो गया ये खबर आ रही है। जय भानुशाली घर से बेघर हुआ है, और शॉकिंग की बात ये है कि एक नहीं सब तीन तीन लोग बेघर हो रहे हैं। मैं हिल गया देख के न्यूज़ में। और आप, मैं जय भानुशाली, ठीक है मेरा वोटिंग लिस्ट में भी जय भानुशाली लास्ट था, मैं सोचा चल जय भानुशाली जो आया वैसा उसको वो डिजर्व भी नहीं करता रहना इस बार, क्या वो जो बंदा टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता है एंड टाइम में, तो उसको घर पे रहने का कोई मतलब भी नहीं है। तो जय भानुशाली गया तो गया, उसके पीछे जो दूसरा गया, एक और जो गया है वो है नेहा भसीन। ये खबर आ रही है नेहा भसीन भी गई है। जिस तरह से मूव जटाना ने भी इंस्टाग्राम में पोस्ट डाली है कि बहुत खुश हूँ मैं कि जो मैं चाहती थी वो उसका एलिमिनेशन हो गया, तो नेहा भसीन ही है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि नेहा भसीन भी चली गई है, क्योंकि बिग बॉस से बताया, हर्ष ने बताया था कि कई आधे घर जाने वाले, मतलब आधे लोग तो घर जाएंगे ऐसा बता रहा था। तो नेहा भसीन का भी आउट हुआ है, वो भी आउट हो रही है। और तीसरा एक और नाम जो सामने आया वो है विशाल कोटियान। अब ये थोड़ा दुख हो गया क्योंकि विशाल कोटियान टास्क अच्छा किया और घर में भी अच्छा, वो जितना जगह वो फुटेज अच्छा देता है, ऐसा नहीं है कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो इतने सारे मुद्दे शमिता शेट्टी के लिए भी नहीं होता। अगर विशाल कोटियान ने ऐसा कुछ किया नहीं होता तो शमिता शेट्टी भी आज के दिन में जीरो दिखाई देती, क्योंकि जो विशाल कोटियान ने जितने मुद्दे क्रिएट किए वो सब विशाल कोटियान ने क्रिएट किए, भले उसके अगेंस्ट में गया हो। डेढ़ चाल खेला, वो चाल खेला, ऐसा खेला, वैसा खेला, गंदा खेल खेला, जो भी खेला, लेकिन उससे कंटेंट उठा के दिया, चाहे वो शमिता शेट्टी को उठा के दिया या फिर तेजस्वी को उठा के दिया, बट उससे कंटेंट दिया। तो ये बहुत गलत मुझे लग रहा है विशाल कोटेन। मैं नहीं समझता कि विशाल कोटेन ये टाइम पे बाहर जाना चाहिए, विशाल कोटेन को और भी रहना चाहिए। जो एंड का जो टाइम आता है, आखिरी महीना जो रहता है, वो टाइम पे बाहर निकलेगा तो चलेगा। अभी जैन का महीना आता वो टाइम पे बाहर निकलता तो समझ में आता, बट ये बहुत जल्दी बाहर जा रहा है विशाल कोटेन। आई थिंक दिसंबर एंड तक तो रहना चाहिए था कम से कम, ये बहुत जल्दी निकल रहा है विशाल कोटियान। पता नहीं अब ये जो तीन नाम आया है, जय भानुशाली, नेहा भसीन और विशाल कोटियान का शॉकिंग न्यूज़ है। दो बड़े नाम है विशाल कोटियान और जय भानुशाली। नेहा तो पता था कभी ना कभी निकल जाएगी, बट विशाल कोटियान, जय भानुशाली, विशाल कोटियान से सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो जय भानुशाली का है जो बाहर गया है। अभी आप लोग देखते रहे कि मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश नहीं, मैं इतना शौक हूँ, अपने को कोई फेवरेट नहीं जाने जो कोई भी बाहर, लेकिन जो जा रहा है कहीं ना कहीं अच्छा है। जो कुछ कर नहीं रहा था, नहीं, जय भानुशाली बाहर जा रहा खुश हूँ, नेहा भसीन जा रहा है इस ओके, बट विशाल कोटेन जा रहा है थोड़ा दुख हूँ कि नहीं जाना चाहिए, उसे कम से कम दिसंबर के एंड तक तो रहना चाहिए था। देखते हैं, अभी ये खबर आई है मेरे पास, अब ये खबर कितनी सच होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सच हो सकती है, क्योंकि तीन जय भानुशाली का तो कन्फर्म है बाहर गया है, मैं आपको बता सकता हूँ जय भानुशाली बाहर गया है। नेहा भसीना और विशाल कोटेन का कंफर्मेशन मैं आपको जैसे आएगा तो बता भी दूंगा। अगर अगर नहीं हुआ दोनों बार तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा माफ़ी मांग के, अगर हो गया बार तो दूसरा वीडियो नहीं आएगा, ये वीडियो मेरा लास्ट रहेगा जिसमें आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों भारत गए हैं। जो खबर हमारे पास आई वो खबर आपको बता रहा हूँ, दोनों बाहर गए, तो तीन लोग को एविक्ट किया है।